माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, जिसमें मरुनगरी बीकानेर की बेटी ने परचम लहराया है। बीकानेर के उपनगर गंगा शहर की राजकीय बोथरा गर्ल्स स्कूल की छात्रा भूमि बोथरा ने 98.50% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उन फैक्ट्री में काम करने वाले प्रेमसुख बोथरा और गृहिणी शांति देवी बोथरा की बेटी भूमि के टॉप करने के बाद घर में जश्न का माहौल है। इधर भूमि बोथरा ने बताया कि वह इंजीनियर बनना चाहती है, ऐसे में उन्होंने इस कामयाबी का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। इसी बीच भूमि के परिवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दसवीं का रिजल्ट राजस्थान का रिजल्ट आया और मरुनगरी बीकानेर की एक बिटिया ने इस बार फिर नाम रोशन किया बीकानेर का। और बीकानेर में ही पूरे बीकानेर में 98.50% लाके अपना नाम है जो मेरिट लिस्ट में, यानी बीकानेर की टॉपर लड़कियों में से शामिल हुई। ये है भूमि, बात करते हैं भूमि बोथरा से। भूमि, पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भूमि। क्या कहोगी, तुमको उम्मीद थी? उम्मीद तो पूरी थी, टॉप 5 में आने तक की थी, पर पता नहीं था फर्स्ट आ जाएंगे। टॉप 5 में आने की उम्मीद थी, अब अभी तुमको क्या महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि टॉप 5 में आकर ऐसे उम्मीद पूरी हो गई एकदम। वो हाँ, जो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर की सरकारी स्कूल है बोथरा स्कूल, वहाँ पर ये इस बच्ची ने पढ़ाई की है। तो सरकारी स्कूल की ऐसी धारणा रहती है कि निजी स्कूलों में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, कहीं ना कहीं तुमने अपनी फर्स्ट रैंक लाके कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल को एक बढ़िया बताया। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती, टीचर सारे रेगुलर क्लासेस लेते हैं, अच्छी तरह से पूरा ऐसे डाउट और सब क्लियर करते हैं, एकदम अच्छी तरह से मोटिवेट भी करते हैं कि 10th क्लास है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और हमारी जो क्लास टीचर थी उषा मैम, वो ज्यादा मोटिवेट। अब क्या बनना चाहोगी तुम? इंजीनियर। इंजीनियर, अभी क्या लोगी? साइंस मैथ्स। साइंस मैथ्स लोगी, मैथ्स में भी तुम्हारे 100 में से 100 आए। तो अब हमारे साथ है इसकी माता जी, हैं बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति जी बताएं आपका क्या मानना था कि ये बच्ची इसी तरह से आने वाली थी? हाँ ये मेहनत थी, ये आती थी तो बोलती थी मेरे को 97 से आप ऊपर ही आने वाली। 98 तो आ गया इसके। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? प्रेम सुख बोथरा जी। बच्ची पढ़ रही थी घर पे, पता था उम्मीद थी 12-13 घंटा रोज। हाँ तो 12-13 घंटा रोज पढ़ती है, पता तो उससे लगता ही है। 12-13 घंटा रोज पढ़ती हूँ। हाँ तो स्कूल को मिलाकर वो फिर सेल्फ स्टडी को मिलाकर हो जाता था। ज्यादा घंटे पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है? नहीं एकदम जरूरी नहीं होता, एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो, जितना पढ़ो। कितनी देर पढ़ती? नॉर्मली टारगेट रहता था दिन का, कितना टारगेट पूरा करना है वो पूरा हो जाता था। टाइम लिमिट रहता है 2 से 3 आवर सेल्फ स्टडी के लिए अलग से, उसके अलावा वो स्कूल का मिला के सबका होता था। तुम उसकी सिस्टर हो? जी सर। मैं सबसे पहले इसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरी छोटी बहन इससे आगे है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। देखिए कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि बीकानेर में टॉपर्स की स्थिति बराबर है, शांतिलाल जी बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर, क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी नहीं, लोग ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, हमारे बोथरा स्कूल में हमेशा से ही अच्छी पढ़ाई होती रही है और इसकी बहन भी 12th में मेरिट में आई। और कुल मिला के बोथरा स्कूल को अच्छा माना जा सकता है कि देखिए राजस्थान की बीकानेर की ये बोथरा स्कूल है, अच्छी स्कूल में से एक मानी जाती है, सरकारी स्कूल है और स्कूल की इस बच्ची को बड़ी कामयाबी मिली है। ठीक है सिंह।